बाबा जी, आज पंजाब से किसान दिल्ली पहुंच गए हैं जी, MSP की मांगों को लेकर। बाबा जी, आप नहीं गए? नहीं, राकेश है, हमारा समर्थन है, वैसे उसे कोई बात नहीं, आदमी जा रहे बहुत, और सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की नौबत ना आने दे। ये हर टेम आंदोलन 13 महीने का आंदोलन भी रहा, 750 किसान शहीद भी हो गए, और सरकार की वाकई भाई जिद्दी रवैये, किसान काम धंधा छोड़ के पंजाब के किसान है लाखों से भी ज्यादा किसान वहां जा लिए, जो MSP की वहां है बातचीत, उन्होंने गारंटी दे रखी हम MSP देंगे, तो वे दे नहीं रहे, तो ये बात ठीक नहीं है। और जब बाबा जी मोदी जी ने बोल दिया था कि MSP, वहां उन्होंने बयान भी दिया था कि हम MSP देंगे, फिर किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, फिर इतने दिन हो लिए, क्यों नहीं दिया से क्या ऐसी बात है? अलग अलग स्टेटों की अलग अलग दिक्कत है, हम ये नहीं कहते पूरे भारत में जगह जगह की दिक्कत है, कहीं आलू का किसान दुखी है, कहीं धान का किसान दुखी है, कोई बिजली ते है, कोई बाढ़ ते है, कोई सूखे तक ग्रस्त है, तो जिम्मेदारी तो है इनकी, जो जिम्मेदार है, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है समस्या सुननी, और जनता की भी जिम्मेदारी है, जनता भी बिना मतलब की बात कुतो उठावे ना, और जो बात उठने लायक है, जो बात है, जो वाकई समस्या है, उनका वो करे। हम किसान हैं, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, किसानों की बात सुनने चाहे, कृषि प्रधान देश है, तो इसमें इनकी बात यही बात हम तो यही कहे प्रधानमंत्री जी को, भाई ये समस्या इतनी खड़ी कर दी इन्होंने, अगर सूझबूझ का काम ले तो ऐसी नहीं कुछ बात है, बहुत समस्याओं का समाधान हो सके, पर ये तो एक वही है, जने एक तानाशाही रवैये थे, इस कोई भी आंदोलन उसे कुचल दिया जा, और एक या जो राजनीति चल रही है या कूटनीति तय कर दे, किसी संगठन में फाड़ गिरना, किसी पार्टी में फाड़ गिरना, तो इस तरह की वो क्यों करे सर? बातचीत करो, ऐसी नौबत जो पंजाब वाले है तो क्यों नौबत ऐसी आ रही, बस उन तो वही बात करते, उनकी समस्याओं का समाधान करे, कोई बात आश्वासन के हो सा आश्वासन दे, ऊपर तो 2024 का चुनाव आ रहा, तो समस्या तो बहुत खड़ी। बाबा जी, जो आंदोलन है, किसान आएंगे आज, तो आपका समर्थन है? नहीं, हमारा तो समर्थन है, किसानों की समस्या है, कोई बात नहीं, बात है ठीक है, हमारे कोई वैचारिक मतभेद हो सके किसी के साथ में, बहुत ही कम, ऐसी कोई वो नहीं है, बात हम सब एक है। बाबा जी, जयंत चौधरी भी से भी आप नाराज दिखाई दे रहे हैं कि वो, आपने कहा कि हमारे से मशवरे नहीं लिया, पूछताछ नहीं की और वो उसमें चले गए, यू एक मलाल है हमें, ये मलाल है जो हम 3 पीढ़ी होली से इस परिवार के साथ में रहते, वैसे उन्हें अधिकार है अपना निर्णय लेने का, खुद अधिकार है, उसमें कोई वो नहीं, पर एक तो बात है किसी सुला मशवरा, कोई बागपत क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में भी, सारे को उनके जो अनुयायी है, तो उनके जो उनके बाबा जी के साथ में रह लिए, उनके पिताजी के साथ में रह लिए, तो उन पर सुला मशवरा ले रहते हैं भाई, ये हम करें ना करें, इस तरह के स्वर उभर रहे, कोई विरोध के, कोई अच्छा कह रहा, कोई बुरा कह रहा, चलो हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा तो संगठन है ऐसी कि कहूँ जाएंगे, और हमें तो कोई किसी तरह ज्यादा गिल्ला सिखवा नहीं। बाबा जी, आप किसानों के बाबा हैं, संपूर्ण किसान आप के साथ हैं, क्या आप जयंत चौधरी NDA में चले गए, क्या आप उनका साथ दोगे? भाई नहीं, हम इस उसमें नहीं कुछ कह सकते, तो जैसे भी कुछ है ना, हम खिलाफ है ना माफिक है, हमारी कोई वो नहीं है बातचीत, हम इस उसमें ज्यादा नहीं, हमने एक वासी सिसोली प्रोग्राम था भाजपा का, हम उसमें चले गए थे, उसमें इन्होंने लोकदल वालों ने इतना पबंडर ताया दिया, नू कर दिया, हमें तो उसका ही नहीं, हमने क्या खता कर दिया हमने भाई, आना जाने भी पड़े, विवाह शादी में भी आना जाने पड़े, रिश्ते नाते भी है, सारी वो है बातचीत। अब खुद चले गए लोकदल ही और जयंत चौधरी तो किसी लोकदल वालों ने तो कोई, चलो अरे चलो ऐसा ना पूछो बात, जो तुम ठीक है कुछ। तो बाबा जी, आप आज ये MSP जो अगर मोदी जी ने मान ली और किसानों की मांग मान ली, तो ये आंदोलन रद्द हो जाएगा फिर या वापस हो जाएगा? नहीं,
वो तो हम तो जो जिम्मेदार है इसके किसान संयुक्त मोर्चा के जो वे है, तो मैं उनको बहुत देश की भी हालात ऐसी खराब हो रही, इसका भी ध्यान रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखते हुए, हमने ट्रैक्टर देखे हुए किस तरह से तेजी में ट्रैक्टर चला रहे, तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, अपना शांति के तरीके से आंदोलन करो, आंदोलन को हिंसक ना होने दे।